हेलो हम लोगों के बीच केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी पधार चुके हैं, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए उनका। बिजली भी लाइट लाइट में जो भी है अविलंब व्यवस्था कराइए, लाइट की व्यवस्था कीजिए। श्री राम कर्मभूमि न्यास की ओर से आयोजित लाइट इलेक्ट्रिक बिजली वाले आप धीरे धीरे करके उधर उधर बैठने की व्यवस्था की जाए। कृपया गवर्नर साहब को भगवान श्री राम के प्रथम कर्मभूमि सिद्धाश्रम बक्सर में श्री राम कर्मभूमि न्यास की ओर से आयोजित इस आध्यात्मिक सांस्कृतिक समारोह में विकास पुरुष विचार परिवार के निष्ठ कार्यकर्ता बिजली व्यवस्था केंद्रीय मंत्री तुरंत आदरणीय नितिन गडकरी जी हमारे इस सभागार में उपस्थित हो चुके हैं। कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि आप मंच अपने लिए जो यथोचित स्थान है वहां बैठने की कृपा करें। ये चार जो कुर्सियां हैं आज के हमारे अतिथि केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान साहब इस सभागार में आएंगे। ये चार कुर्सी जो दो के मध्य में है उसकी व्यवस्था मैं बता रहा हूँ। एक कुर्सी पर श्री अश्विनी कुमार चौबे जी रहेंगे और एक कुर्सी जो मध्य में है वहाँ श्री कपिल खन्ना जी अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद दिल्ली, उसके बाद एक कुर्सी पर माननीय नागेंद्र जी, माननीय अतिथिगण पधारे हैं, विधिवत कार्यक्रम प्रारंभ होगा। जैसे ही हमारे महान संत यहां पर मंचासन हो जाएंगे, डियर स्वामी जी महाराज आने ही वाले हैं, हमारे अयोध्यानाथ स्वामी जी आ गए हैं यहां पर और उनका आदेश हुआ है, तुरंत हम लोग इस कार्यक्रम को शुरू कर रहे हैं। तब तक आग्रह करता हूं कि ये जो पावन भूमि पर अहिल्या धाम यहाँ जो ये यज्ञशाला बना है इसमें नीचे बैठने में कोई दिक्कत नहीं, हमें उसके लिए व्यवस्था की गई थी। सभी से आग्रह करता हूँ कार्यकर्तागण से कि कृपया यहाँ पर नीचे बैठाएं। जी हर स्वामी जी महाराज की, जी हर स्वामी जी महाराज की, जी हर स्वामी जी महाराज हमारे बीच, उनका आगमन हो गया। मैं सभी से आग्रह करता हूं कि आप सभी लोग नीचे अपना स्थान ग्रहण कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। ये व्यवस्था हम लोगों ने ही बनाया है, हम लोग आराम से नीचे बैठ करके कार्यक्रम देखेंगे। जी हर स्वामी जी महाराज की। एक बार मंच व्यवस्था में कृपया मंच को कृपया खाली करेंगे, अव्यवस्था नहीं बनाए। हमारे महान संतगण यहां पर पधार चुके हैं, उनका आगमन हो गया है। आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि कृपया मंच की व्यवस्था को आप लोग इस तरह से, सभी लोग से आग्रह करता हूं कृपया मंच पर जिनकी व्यवस्था नहीं है वो मंच को छोड़ दे, खाली कर दो। बोलिए प्रेम से श्री जी हर स्वामी जी महाराज की, श्री जी हर स्वामी जी महाराज की। श्री गडकरी जी ने अभी अभिवादन किया, उनका आशीर्वाद लिया जी हर स्वामी जी का, और हमारे दो और महिषी विभूति हमारे
संतगण यहाँ पर आ रहे हैं। मैं आग्रह करता हूँ अनंताचार्य जी महाराज को हमारे कार्यकर्तागण लेकर के सम्मान अविरत से। अभी यहाँ पर जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी महाराज भी, उनका भी आगमन हो रहा है। इस बीच में आग्रह करूंगा अपने आगंतुक हमारे अतिथिगण का स्वागत करें और माननीय मंत्री श्री चौबे जी से आग्रह करूंगा कि अंग वस्त्र देकर के हमारे केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी का आपके दो हाथ एक साथ ताली के रूप में और साथ ही हमारे राज्यपाल केरल श्री आरिफ मोहम्मद जी उनका भी अभिवादन हो रहा है। दोनों कर्तव्य ध्वनि से दोनों हाथों से ताली बजा करके श्री जी आर स्वामी जी के आशीर्वाद लेने के उपरांत हमारे अतिथिगण यहां पर मंच है। स्मृति चिन्ह जो है वो भी दिया जा रहा है और राम जी का दरबार जो है वो भी दिया जा रहा है। एक बार ताली बजा करके अब मैं आग्रह करूंगा कि हमारे केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी का सम्मान शॉल देकर के नितिन भाई का ये सम्मान हो रहा है। दोनों हाथों से, दोनों हाथों से ये स्मृति चिन्ह है जिसमें राम कर्मभूमि का स्मृति चिन्ह और राम दरबार भगवान राम का पादुका भी है उसमें। श्री अनंताचार्य स्वामी की जय। श्री अनंताचार्य स्वामी जी भी यहां पे आ गए हैं, जगत अनंताचार्य स्वामी जी। और यहां पर हमारे बिहार के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष संजय जायसवाल जी का सम्मान करते हुए इसके बाद हमारे विधान परिषद के सम्माननीय विपक्ष के नेता श्री सम्राट चौधरी जी का सम्मान करते हुए हमें आग्रह करूंगा अरुण मिश्रा जी से कि आप सम्मान करें हमारे सम्राट चौधरी जी जो नेता हैं विपक्ष के, उनका सम्मान करें। कृपया सभी से आग्रह करता हूं, निवेदन है, प्रार्थना है कि कृपया मंच के पीछे आप लोग सभी लोग सब सम्मान आ जाएं। यहां पर यह संतों का मंच है। मैं आग्रह करता हूं कपिल खन्ना जी का अभिवादन कर रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष हैं दिल्ली प्रांत के। इसके बाद हमारे श्री नागेंद्रनाथ त्रिपाठी जी का जो क्षेत्रीय संगठन मंत्री हमारे हैं श्री प्रदीप राय जी, इनका अभिनंदन कर रहे हैं। और आप कृपया सामने से जगह छोड़ दें। प्रदीप राय जी हमारे भीखू भाई जलसानिया जी हमारे संगठन मंत्री बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के, उनका स्वागत कर रहे हैं। रामबालक प्रसाद जी, अभिजीत कश्यप जी और परशुराम चतुर्वेदी जी। इसके साथ ही कृपया सामने से जगह छोड़ दें थोड़ा। मैं आग्रह करता हूं सभी लोगों से एक बार सभी आगंतुक अतिथियों का हमारे स्वामी श्री जी आर स्वामी जी के आशीर्वाद उपरांत सभी का कर्तव्य ध्वनि से एक बार सभी लोगों का स्वागत कर दे। बक्सर की तमाम हमारी यहाँ पर जो श्रद्धालुगण आए हैं वो हमारे श्री नितिन भाई को सुनना भी चाहते हैं। बक्सर के लिए उन्होंने जो आज किया है
वो हम सभी लोगों को याद रहेगा। मैं अब सीधे मंच हमारे संचालन करता और इस राम कर्मभूमि न्यास के अध्यक्ष श्री कृष्णकांत ओझा जी को देता हूँ विधिवत सौ समय, गडकरी जी को फिर जाना भी है, आप उसको सब सम्मान आगे बढ़ाएं। नमस्कार, श्री राम कर्मभूमि न्यास की ओर से आयोजित कुंभ में केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन राजमार्ग आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी का स्वागत है। केरल के राज्यपाल आदरणीय श्री आरिफ मोहम्मद खान साहब भगवान श्री राम के इस प्रथम कर्म भूमि प्रथम रण भूमि पर आए हैं। आप वेद उपनिषद वेदांत इन सारे ग्रंथों का अध्ययन करने वाले और उस पर एक आधिकारिक तौर पर अपनी बात रखने वाले, भारत की संस्कृति को समझने वाले, ऐसा कहें कि भारतीय संस्कृति के प्रवक्ता के तौर पर आप जाने जाते हैं। आपका इस समारोह में अभिनंदन है। यह आध्यात्मिक समारोह है और सांस्कृतिक समारोह भी है। भगवान श्री राम की प्रथम कर्म भूमि, भगवान श्री राम का जन्म स्थान अब अपने गौरव को प्राप्त हो चुका है। अब हमारा अभियान चलने वाला है मुझमें राम के माध्यम से संपूर्ण विश्व में भगवान श्री राम की मर्यादा को स्थापित करना, प्रत्येक व्यक्ति के मन मंदिर में, हृदय में, मस्तिष्क में स्थापित करना, ताकि उसके व्यवहार से भगवान श्री राम की मर्यादा दिखाई पड़े, स्पष्ट हो, व्यवहार में उतरे। और इसी संकल्प के साथ भगवान श्री राम की प्रथम कर्मभूमि सिद्धाश्रम बक्सर से इस विराट आयोजन के माध्यम से एक अभियान चलने वाला है। इस अभियान का शुभारंभ परम पूज्य सरसंचालक डॉक्टर मोहन भागवत जी ने किया है। अब मैं निवेदन करता हूं, जो ये परिकल्पना जो दिखाई पड़ रही है श्री राम कर्मभूमि न्यास के माध्यम से मुझमें राम जो अभियान चलने वाला है, उसके कल्पक, उसकी कल्पना करने वाले और उसको जमीन पर उतारने के लिए रात दिन परिश्रम करके इसको एक आकार देने वाले, साकार करने वाले ऐसे आदरणीय श्री अश्विनी कुमार चौबे जी से निवेदन है कि आप यहाँ आए। स्वागत करने के साथ साथ हमारे अपने इस अभियान के बारे में, इस कर्म क्षेत्र भगवान श्री राम के प्रथम कर्म भूमि प्रथम रण भूमि के बारे में प्रकाश डालें। आदरणीय श्री अश्विनी कुमार चौबे जी। परम पूज्य सभ्य जी स्वामी जी महाराज के सानिध्य में और हम सब लोगों के अधिष्ठाता जो श्री राम कर्मभूमि न्यास के संस्थापक संरक्षक ऐसे स्वामी राम भद्राचार्य जी महाराज, साथ ही सह संस्थापक संरक्षक यहाँ विराजमान जगतगुरु स्वामी अनंताचार्य जी महाराज वृंदावनवासी, हमारे अन्य सभी संतगण यहाँ उपस्थित, हमारे महामहिम राज्यपाल केरल प्रदेश से चल करके यहाँ आए हैं, मैं आपका विशेष रूप से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आपका वंदन करता हूँ कि केवल एक चिट्ठी पा करके उन्होंने यहाँ आने का बहुत यत्न किया। स्वयं उन्होंने मुझे वहाँ से टेलीफोन किया, ये बहुत बड़ी कृपा है। आज देश के ऐसे एक महान नेता जो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार चल रही है, उस सरकार के विकास पुरुष के रूप में जाने जाने ऐसे जो केंद्रीय मंत्री राजमार्ग और कई जिम्मेवारी इनके कंधे पर है, श्री गडकरी जी, नितिन गडकरी जी आज शाहबाद के क्षेत्र में विकास की फुलझड़ी लेकर के और विरासत के साथ साथ विकास की यात्रा लेकर के यहाँ आए हैं। विरासत की रक्षा और तो आगे ले चलने का मार्ग प्रशस्त हो, लगभग 360 करोड़ की योजना के से
1300 ये लगभग 360 करोड़ तो इन्होंने उहा दिया और 390 कुल मिला करके आज 600 से भी ज्यादा करोड़ की राशि का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। अभी उन्होंने वहां भी संबोधन में कहा, उनके मुखारविंद से सुनेंगे। साथ ही आज जो उन्होंने ये यात्रा यहाँ लाया, मैंने जैसे कहा, बोला चौबे जी आपको कहने की जरूरत नहीं, मैं आऊंगा और केवल ऐसे नहीं आऊंगा, मैं सौगात लेकर के आऊंगा, मैं सौगात लेकर आऊंगा जोरदार तालियों के साथ, जोरदार तालियों के साथ हमारे विकास पुरुष प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में। ऐसे नेता जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं देश के जाने माने विकास के, ऐसे श्री नितिन गडकरी जी का बक्सर सिद्धाश्रम की धरती पर राम भगवान राम की प्रथम कर्म भूमि पर भगवान विश्वामित्र महर्षि विश्वामित्र के इस तपो भूमि पर अहिल्या माता के इस उद्धार भूमि पर आप सबका हृदय से अभिनंदन है, स्वागत है। गडकरी जी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे संत शिरोमणि का परिचय मैंने कराया, स्वामी अनंताचार्य जी महाराज जगत गुरु अनंताचार्य जी वृंदावनवासी, उनके बगल में हमारे श्री डॉक्टर संजय पासवान जी जो बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं और बेतिया से वहाँ से माननीय सांसद हैं, लोकप्रिय सांसद, अभी लोकप्रिय सांसद हैं और साथ साथ यहाँ बैठे हुए हमारे प्रिय पुत्रवत भी हैं, आशीर्वाद भी देता हूँ। ऐसे श्री सम्राट चौधरी जो हमारे विपक्ष के नेता हैं विधान परिषद के, साथ ही हमारे कपिल जी इस कपिल धाम में आए जो बहुत ही विश्व हिंदू परिषद के और पूरे राष्ट्र को इन्होंने जो हर तरह से पूरे परिवार ने पूरे इनके द्वारा जो सेवा का समर्पण का भाव है, श्री कपिल जी दिल्ली से चल करके, हम कपिल खन्ना जी दिल्ली से चल करके इस कुंभ में आए हैं। हम सब लोगों के पूर्व परिचित श्री नागेंद्र जी जिन्होंने संगठन को बिहार के संगठन को एक सूत्र में बांधने का वर्षों से काम किया और आज भी मार्गदर्शन कर रहे हैं, जो बिहार और झारखंड के आप संगठन मंत्री के रूप में श्री नागेंद्र जी। साथ ही हमारे बगल में श्री भीमू भाई जो गुजरात से वर्षों तक वहाँ संगठन मंत्री रहे और आज बिहार के संगठन को पिरो रहे हैं, इस फुलवाड़ी को पिरो रहे हैं, ऐसे हमारे श्री भीकू भाई जी संगठन मंत्री, साथ में हमारे न्यासी भी हैं, यहाँ कृष्णकांत झा जी अध्यक्ष हैं, हमारे संस्था जो इस कार्यक्रम के पूरे कार्यक्रम के जो आयोजक हैं श्री राघव जी राघवेंद्र राघव जी रघुपति राघव राधा राम पति तपावन सीताराम, हमारे न्यास के न्यासी श्री अभिजीत कश्यप जी, हमारे श्री राम बालक प्रसाद जी इंजीनियर राम बालक प्रसाद और श्री धनंजय चौबे, साथ ही यहाँ बैठे हुए कार्यकारी अध्यक्ष अरुण मिश्रा, हमारे अरुण मिश्रा जी जो अभिजीत जी महासचिव है उपाध्यक्ष है श्री राम बालक जी, हमारे श्री अरुण मिश्रा जी सचिव हैं, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में स्वागत समिति के कार्यकारी अध्यक्ष जो ये खेत देख रहे हैं इसको इस रूप में बनाने में जिनका भरपूर सहयोग हुआ, ऐसे भाई श्री प्रदीप राय जी अनिल स्वामी जी शिरकत कर रहे हैं, लगातार सेवा कर रहे हो गया से आके और यहाँ के इस धरती के लाल, हमारे श्री परशुराम जी चतुर्वेदी जो इस व्यवस्था में सहयोग कर रहे हैं। हम सभी संतों का भी सबका आदर करते हुए मैं मंच सीधे अपने प्रिय नेता को देना चाहूँगा और महामहिम राज्यपाल महोदय हम सब लोगों को मार्गदर्शन देंगे। मैं सीधे जोरदार तालियों के साथ अपने विकास पुरुष श्री नितिन गडकरी जी को जो यहाँ संतों से आशीर्वाद लेने आए हैं, जो स्वामी महाराज जी से आशीर्वाद लेने आए, हमारे स्वामी राम भद्राचार्य जी महाराज और स्वामी अनंताचार्य जी, कृपया मैं चाहूँगा कि आप जोरदार तालियों के साथ इनका अभिनंदन करें, बक्सर वासियों पूरे शहबाद वासियों बिहार वासियों बिहार के लिए और देश के लिए जो इन्होंने विकास की फुलझड़ी बहा है उसके लिए कोटि सा धन्यवाद। बोलो भारत माता के, भारत माता के, ये अभियान चला है।
दोनों हाथ उठा के अभिनंदन। मुझमें राम, मुझमें राम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी कार्यकर्ता, आप सभी अधिकारियों का नमस्कार, अभिनंदन। नमस्कार। मंच पर उपस्थित जिनके मार्गदर्शन में ये भव्य कार्यक्रम हो रहा है, ऐसे हमारे स्वामी जी, विशेष रूप से अयोध्या में जो भव्य राम मंदिर निर्माण हो रहा है, उस कार्य को मार्गदर्शन करने वाले हमारे स्वामी जी, हमारी फिलॉसफी में अध्ययन करके जिन्होंने बहुत अच्छा विचार दुनिया के सामने रखा है, ऐसे केरल के महामहिम राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान जी, हमारे सभी सहयोगीगण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, हमारी भारत की भूमि ये संतों की भूमि है। संस्कृति और इतिहास और विरासत हमारी बहुत महान है। इस देश ने हमको मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु रामचंद्र के रूप में ऐसा एक जीवन दर्शन दिया है कि हम जब विचार करते हैं तो आदर्श पुत्र कैसा होना चाहिए, आदर्श पिता कैसा होना चाहिए, आदर्श राजा कैसा होना चाहिए, इन सभी आदर्शों के कसौटी पर हाँ अपने जीवन में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु रामचंद्र जी को आदर्श मानते हैं। रामायण हमारे लिए ऐसा एक मार्गदर्शन है कि हमारे प्रधानमंत्री जी के यहाँ चाय लेने के बाद विदेश मंत्री के यहाँ जब मैं पहुंचा तो उन्होंने मुझे एक प्रश्न पूछा कि आपके देश की सबसे बड़ी समस्या कौन सी है, तो मैंने जवाब दिया कि हमारे देश में गरीबी है, भुखमरी है, बेरोजगारी है, हमारे देश का विकास हमको करना है और गरीबी और भुखमरी से हमारे समाज को मुक्ति देनी है। जब मेरी यह बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे और एक सवाल पूछा, उसका जवाब देने के बाद मैंने उनको एक सवाल पूछा और वो सवाल ये था कि आपके देश की सबसे बड़ी समस्या कौन सी है, तो उन्होंने मुझे जो बताया कि हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे जो नौजवान है वो शादी ही नहीं करते, वो लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं, एक दूसरे को कभी भी छोड़ देते हैं, तो क्या आपके देश में ये समस्या नहीं है, जिस समस्या से हम बहुत ग्रस्त हैं, हमारी सामाजिक व्यवस्था उद्ध्वस्त हुई है। जब उन्होंने मुझे ये प्रश्न पूछा तब मैंने जवाब दिया कि हमारा देश गरीब जरूर है, बेरोजगारी भुखमरी जरूर है, पर हमारा देश संस्कार अधिष्ठित है, हमारा देश भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु रामचंद्र, भगवान श्री कृष्ण, महाभारत और रामायण से मिले हुए संस्कारों पर चलता है और संस्कारों का संबंध मूल्यों के साथ है और मूल्यों का संबंध प्रभु रामचंद्र और रामायण के साथ है। हमारे यहाँ भगवान प्रभु रामचंद्र जी ने अपने पिता की आज्ञा के लिए वनवास को स्वीकार किया, उन्होंने कभी नहीं कहा, पिता के आज्ञा का पालन करना चाहिए, गुरुवर्यों का आदर करना चाहिए, साधु संतों के ज्येष्ठों के प्रति नम्रता पूर्वक नमस्कार करके नमन करना चाहिए, सच बोलना चाहिए, दूसरे पराये स्त्री को माता समान मानना चाहिए, ये सब हमारे समाज के मूल्य है, मूल्य जीवन मूल्य, और ये मूल्य हमको ऐसे अनेक मूल्य है जो मूल्य हमको इतिहास संस्कृति और विरासत से मिले, जो मूल्य हमको रामायण महाभारत से मिले, जो मूल्य हमको भगवान गौतम बुद्ध से लेकर साधु संतों के आचरण और व्यवहार से, उनके मार्गदर्शन से और उनके संस्कार यज्ञ से मिले हैं, और उसी से भारतीय जीवन पद्धति और समाज पद्धति को प्रभावित किया है। बहनों और भाइयों, ये संस्कार हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। ये बड़ी बड़ी नदियां
ये बड़े बड़े कारखाने, ये बड़े बड़े रोड, ये सब कुछ हमारे लिए आवश्यक है, पर इन सब के साथ जिस मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति और समाज पद्धति के साथ हम चल रहे हैं, जो जीवन दर्शन भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु रामचंद्र जी ने हमको दिया है, उसी का हम बार बार मनन करते हैं, चिंतन करते हैं। अश्विनी जी का ये जो प्रयास है, ये भूतकाल का ये गौरवशाली इतिहास, ये संस्कार आज इस कार्यक्रम के द्वारा इसका मनन चिंतन करके ये संस्कार मेरे सहित आप सबके जीवन को संस्कारित करे, प्रभावित करे और उसको एक जीवन दृष्टिकोण प्राप्त करके दे, करने करके दे, इसके लिए है। और इसलिए आध्यात्मिक विरासत, भारतीय संस्कृति, ये संस्कार यज्ञ, भगवान प्रभु रामचंद्र जी का जीवन, आदर्श राजा से लेकर आदर्श पिता तक, इन सब बातों के अनुकरण हमारे व्यक्तिगत जीवन में हम कैसा करेंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण है। मुझे बहुत खुशी है कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री को जोड़ने के लिए मैं 12,000 करोड़ के रोड बना रहा हूं। भगवान गौतम बुद्ध का जन्म जहां हुआ, जहां उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, वो भगवान गौतम बुद्ध ने जहां अपना आखिरी समय बिताया, वो बुद्ध सर्किट से 22,000 करोड़ के रोड में पूरे कर चुका हूं। अब राम जानकी मार्ग अयोध्या का, जिसमें 2,000 करोड़ का 436 किलोमीटर राम जानकी मार्ग का निर्माण कर रहे हैं। राम जानकी मार्ग परियोजना के तहत 213 किलोमीटर सड़क का निर्माण कार्य हो रहा है। अयोध्या से गोरखपुर जिले के बरलगंज तक 152 किलोमीटर का मार्ग 2023 तक बन जाएगा। बरलगंज से देवरिया जिले के मेहराना घाट तक 61 किलोमीटर के सड़क का निर्माण कार्य जनवरी में आरंभ होगा। और बिहार में राम जानकी मार्ग परियोजना के तहत 223 किलोमीटर सड़क निर्माण का कार्य हम जनकपुरी तक कर रहे हैं, नेपाल की सीमा तक। शिवहर से सीतामढ़ी जिले के दिहटा चौक से जो नेपाल सीमा है, वहां तक ये कार्य पूरा होगा, ये भी 2022 में पूरा हो जाएगा। सीवान से चकिया तक 82 किलोमीटर सड़क, ये भी काम शुरू हो गया है। सीतामढ़ी जिले के भिट्टा चौक से जनकपुर नेपाल तक अच्छी सड़क बन जाने से अयोध्या से जनकपुर आना जाना आसान हो जाएगा। ये सब इसलिए कर रहे हैं कि भगवान प्रभु रामचंद्र जी का आदर्श, उनके विचार और उनके संस्कार, हम उनके भूमि पे जाएंगे तो हमें भी प्राप्त होंगे और उसी के आधार पर हमारा जीवन समृद्ध और संपन्न होगा। एक बात जरूर है जो बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि आज जो चिंतन हो रहा है, मनन हो रहा है, जो संस्कार यज्ञ हो रहा है, जो साधु संतों का मार्गदर्शन मिल रहा है, वो हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन को संस्कारों के आधार पर आदर्श जीवन के रूप में उसको प्रस्थापित करने के लिए मार्गदर्शन हमको मिल रहा है। बहनों और भाइयों, ये भारत भूमि है, ये हम सबका देश है, ये देश भाई भूख आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त होना चाहिए। भगवान रामचंद्र जी का जो राम राज्य था, जिसको महात्मा गांधी जी ने राम राज्य के रूप में कहा था कि राम राज्य निर्माण होना चाहिए, वो राम राज्य निर्माण करना यही हमारा संकल्प है। और ये संकल्प पूरा करने के लिए ज्ञान विज्ञान, तंत्र विज्ञान, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल, इसको हम नॉलेज कहते हैं, ज्ञान कहते हैं, नॉलेज एज ए पावर। और आज हम सबको ये भी सोचना है कि एक तरफ हमारे आध्यात्मिक मूल्य, एक तरफ हमारे जीवन मूल्य, एक तरफ भगवान प्रभु रामचंद्र का आदर्श, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु रामचंद्र का आदर्श, और दूसरी ओर ज्ञान विज्ञान तंत्र विज्ञान लेकर हमें विश्व में प्रथम क्रमांक का राष्ट्र बनना है, आत्मनिर्भर भारत बनना है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि हमको $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है, हम आर्थिक शक्ति मजबूत बनेंगे और हमारे अध्यात्म के आधार पर, भारतीय संस्कृति के आधार पर, रामायण महाभारत के आधार पर, साधु संतों के आदर्श और विचारों के आधार पर एक तरफ भौतिक प्रगति होगी,
दूसरी तरफ विश्व का कल्याण होगा। हम यही कहते हैं, हम ये नहीं कहते कि मेरा कल्याण पहले हो, हम ये कहते हैं कि विश्व का कल्याण हो। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया। मेरा कल्याण हो, ये हमारी संस्कृति इतिहास, ये साधु संत हमको ये नहीं कहते कि आपका हमारा कल्याण, हम कहते हैं विश्व का कल्याण। कर्मण्ये वाधिकारे से मा फलेषु कदाचन। हमें काम करते रहना चाहिए, संस्कारों को ग्रहित करके हमारे व्यक्तित्व को सुसंस्कारित करके समाज में आदर्श व्यक्ति के रूप में हमने कार्य करना चाहिए। और जब एक एक व्यक्ति के मन में संस्कार यज्ञ से परिवर्तन होगा, मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति, परिवार पद्धति, समाज पद्धति पूरी तरह से प्रस्तापित होगी, प्रभु रामचंद्र के आदर्श और संस्कार हमारे जीवन का एक पाठ बनेंगे और उसी के अनुरूप ज्ञान विज्ञान तंत्र विज्ञान के आधार पर हम विश्व में प्रथम स्थान पर जाएंगे, विश्व गुरु बनेंगे, तब सही अर्थ में राम राज्य का निर्माण होगा। और इसलिए ये मंच केवल एक यज्ञ नहीं है, प्रभु रामचंद्र के आदर्शों को, उनके विचारों को, उनके संस्कारों को, उनके मूल्यों को अपने जीवन में ग्रहण करके अपने जीवन को समृद्ध संपन्न बनाने की भावना से अश्विनी जी और उनके सभी सहयोगियों ने किया हुआ ये संस्कार यज्ञ हम सबके जीवन को बदलने के लिए है। और ये साधु संतों का आशीर्वाद से मैं प्रभु रामचंद्र के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। और मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, इसको विवेकानंद जी की भविष्यवाणी का आधार है। विवेकानंद जी ने कहा था कि 18वीं सदी जो थी वो विश्व के इतिहास में मुगल सल्तनत की सदी थी, 19वीं सदी जब आई तो सब तरफ यूनियन जैक अंग्रेजों का झंडा लहर रहा था, 20वीं सदी जो आई वो सदी जो थी वो एक प्रकार से अमेरिका एक सुपर पावर करके विश्व के सामने आई है। अब बहनों और भाइयों, अब 21वीं सदी की शुरुआत हुई है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये विवेकानंद जी कहकर गए हैं कि 21वीं सदी अगर किसकी है विश्व में तो हिंदुस्तान की है और भारत की है। प्रभु रामचंद्र के जो विचार दर्शन और संस्कारों के आधार पर पूरे विश्व को भारतीय संस्कृति इतिहास और विरासत, रामायण महाभारत, भगवान गौतम बुद्ध, प्रभु रामचंद्र, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने दिए हुए मार्गदर्शन के आधार पर एक संस्कार विचार और जो विचारधारा की फिलॉसफी है उसके आधार पर पूरा विश्व उससे मार्गदर्शन लेगा, ये भविष्यवाणी विवेकानंद जी की है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ अश्विनी जी को कि उन्होंने फिर से रामायण को जगाया, प्रभु रामचंद्र जी को याद कराया और आपको और मुझे फिर से संस्कारित करके एक दिशा दिखाई कि जीवन जीने का मार्ग जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु रामचंद्र ने बताया हुआ संस्कार यज्ञ का मार्ग है, उसके ऊपर आपको जाना है। ये तभी यशस्वी होगा जब यहाँ के संस्कार और विचारों को लेकर अपने जीवन में हम अनुकरण करेंगे, कथनी और करनी में अंतर नहीं रखेंगे। ज्ञान विज्ञान तंत्र विज्ञान इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप साइंस टेक्नोलॉजी रिसर्च स्किल इसका उपयोग करके आध्यात्मिक मूल्य, जीवन मूल्य, सामाजिक मूल्य और मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति के आधार पर रामायण महाभारत के आदर्शों के साथ भविष्य के हिंदुस्तान का निर्माण करके हम विश्व में एक आदर्श राम राज्य बनाएंगे, यही संकल्प हम सबका है। मुझे बहुत खुशी हुई कि अश्विनी जी ने मुझे यहाँ बुलाया, इस पवित्र भूमि पर साधु संतों का आशीर्वाद लेने का मौका दिया और इसमें मैं भी साधु संतों से हाथ जोड़कर विनम्रपूर्वक अभिवादन करता हूँ और इस देश के लिए, इस समाज के लिए, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए हमारे हाथों में वो ताकत दे, शक्ति दे और भगवान की कृपा से ये ईश्वरीय कार्य पूरा करने के लिए हमें आशीर्वाद दे, यही उनके चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ। अश्विनी जी को और उनके सभी सहयोगियों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। भगवान प्रभु रामचंद्र जी उनके आशीर्वाद उनको और उनके सहयोगियों को उनके इस महासंस्कार यज्ञ के लिए
सतत आशीर्वाद मिलते रहेंगे और आपके जीवन में से अंधेरा छटेगा। गरीब मजदूर गांव, गरीब मजदूर किसान, इसकी गरीबी भूखमरी बेरोजगारी दूर होगी, अनाचार अत्याचार दूर होगा, दुष्टता समाप्त होगी, सज्जनता प्रामाणिकता इसका राज्य होगा। साधु संतों का हम अभिवादन करेंगे, उनको आदर्श के रूप में स्वीकार करेंगे और उनके मार्गदर्शन पर चलने वाला प्रभु रामचंद्र जी ने कहा हुआ आदर्श राम राज्य प्रस्तापित होगा और उस राम राज्य के हम नागरिक होंगे। जोर से बोलिए जय श्री राम, 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 जय श्री राम। मेरी बहुत देर रुकने की इच्छा थी पर 4:20 के पहले मुझे उड़ना आवश्यक है क्योंकि सूर्यास्त होने के पहले वाराणसी में उतरना है, नहीं तो मैं जा नहीं पाऊंगा। इसलिए फिर से एक बार आदरणीय गवर्नर साहब के, साधु संतों के, मंच पर अभी सभी अतिथियों के, अश्विनी जी की क्षमा मांगता हूँ, आप सब की क्षमा मांगता हूँ। भगवान आप सबका प्रभु रामचंद्र कल्याण करे, आप सबको आशीर्वाद दे, आपका जीवन सुखमय मंगलमय हो, हमारा देश भय भूख आतंक भ्रष्टाचार से मुक्त हो, सुखी समृद्ध संपन्न शक्तिशाली हिंदुस्तान एक राम राज्य के रूप में हो, यही आशीर्वाद भगवान रामचंद्र हम सबको देंगे। इसी भाव के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद करते जी, एक यह जो भूमि है श्री राम के जहां जहां चरण पड़े तो भी राम भद्राचार्य जी महाराज आ रहे हैं और हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय श्री आरिफ मोहम्मद खान साहब, श्री आरिफ मोहम्मद खान साहब, उनका हम सब लोगों को मार्गदर्शन प्राप्त होगा। सहले ऐसे हम सब लोगों के महामहिम राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल महोदय, मैं जोरदार तालियों के साथ हम केरल के महामहिम राज्यपाल का हृदय से इस श्री राम की कर्मभूमि पर स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए जय श्री राम। श्रद्धे श्री लक्ष्मी विरपन जी और स्वामी जी महाराज, स्वामी श्री अनंताचार्य जी महाराज, श्री अश्विनी कुमार चौबे जी, डॉक्टर संजय जायसवाल जी, नागेंद्र जी, भीखू भाई, सम्राट चौधरी जी, कपिल खन्ना जी और मंच पर उपस्थित संत समाज के सभी श्रद्धे, सदस्य, सबसे पहले मुझे धन्यवाद देना चाहिए अश्विनी चौबे जी को जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया यहाँ और इस पुनीत कार्य में जिसको उन्होंने नाम दिया है सनातन संस्कृत सांस्कृतिक संगम समागम, इस पुनीत कार्य में मुझे भी सम्मिलित होने का मौका दिया। मैं पढ़ रहा था इस कार्यक्रम के बारे में कि ये पुण्य भूमि वो है जिसे भगवान राम के कर्म भूमि होने का श्रेय प्राप्त है और हमारे यहाँ कहा गया है भगवते स्थलो भगवते रूपम, जो स्थान प्रभु के
साथ जिसकी पहचान जुड़ी हुई है उसकी पुण्यता का वर्णन नहीं किया जा सकता। तो यहाँ आप उसको उसका आभास होता है, उसके बारे में बोला नहीं जा सकता बहुत ज्यादा। और मेरा मुझे ऐसे लगता है कि एक बात कही गई है वो बिल्कुल एकदम सत्य है। कहा यह गया है कि लोके नहीं सभी देव जोना राम मनु बेटता। इस दुनिया में कोई नहीं है जो राम भगवान राम के नियंत्रण में ना हो, भगवान राम का अनुयायी ना हो। ये हमारा देश क्या क्या दर्शन दिया है दुनिया को। हमारे यहां केवल भक्ति का नहीं विपरीत भक्ति की भी कल्पना, यानी जो सामने से द्रोही नजर आता है वो भी अपनी भूमिका अदा कर रहा है, वास्तव में वो भी भक्त है। और अभी माननीय गडकरी जी ने इतनी सुंदर बात कही है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम हमारे लिए प्रेरणा का केंद्र हैं, और उनसे जो मूल्य मिले हैं, जो मर्यादा मिली है, वो ही है जो इस समाज को बना के रखे हुए। और उस मर्यादा को उस मर्यादा के बाहर हमारे संत जन जो वो शिक्षा ये लोक शिक्षक जो लोगों तक पहुंचाते हैं। और इसीलिए कहा गया है कि संतो भूमि तपसा धारयन्ति, धर्म समाज को इकट्ठा रखता है। और ये हमारे संत जन जो हैं, ये तो इनके कारण तो ये पूरी भूमि उसकी स्थिरता बनी रहती है, क्योंकि ये जिन चीजों की शिक्षा देते हैं, जिस तरह हमें प्रेरित करते हैं, जिस तरह हमें मर्यादाओं का सम्मान करने के लिए आवाहन करते हैं, उसी का वही कारण है जो गडकरी जी ने कहा कि हमें बहुत सी ऐसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता जो दुनिया में बहुत सारे देशों को करना पड़ रहा है। अब अभी हमने माननीय गडकरी जी ने तो बहुत अच्छी तरह उसे कहा है, लेकिन हमने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम। तो मैं ऐसे ही गौर कर रहा था कि भगवान राम का यहाँ बक्सर का में जहाँ उन्होंने शिक्षा दीक्षा ली, जहाँ उन्होंने निशाचरों से मुक्त करने के लिए कार्रवाई की, ये उनकी कर्म भूमि है। लेकिन जैसा कहा मर्यादा पुरुषोत्तम हम कहते, और आपकी सभा का जो विषय है वो है सनातन संस्कृति समागम, तो खुद भगवान राम के जीवन से, अभी राजा नहीं हुए हैं और वन जाना पड़ रहा है, वन जाने की जिस दिन अगले दिन सुबह को जाना है, छोटे भाई लक्ष्मण अपने गुस्से पे काबू नहीं रख पाते और पिताश्री के लिए ऐसे शब्द बोलते हैं जो बेटे को कभी भी नहीं बोलने चाहिए। भगवान राम सुनते हैं धैर्य के साथ, और उसके बाद जब लक्ष्मण जी अपनी बात खत्म कर देते हैं तो
तो कहते हैं दहो मिति या बुद्धिर विद्या साफिर कीर्तते ना हम देहस्ती दात में बुद्धि विद्येते धन्यत। तुम इसलिए गुस्से में हो, इसलिए तुम नाराजगी दिखा रहे हो, क्योंकि तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारे और मेरे शरीर को 14 साल वनवास के कष्ट उठाने पड़ेंगे, इसलिए तुम्हें नाराजगी। लेकिन ये तुम्हारा अज्ञान है, तुम क्या हो? तुम ये शरीर नहीं हो। मनोबुद्ध अहंकार चित्तानि नाहम नचा श्रोत्र जीवे नचा घ्राण नेत्रे नचा व्योम भूमि न तेजो न वायु चिदानंद रूपा शिवो हम शिवो। मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये मुख नहीं हूं, मैं हिम नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, फिर मैं क्या हूं? जो सार्वजनिक जीवन है, जो आम तौर से जो शब्द प्रयोग किया जाता है कि जो अपने आप को जन सेवा के कामों में समर्पित करते हैं, वहां पे भगवान राम ने कहा कि स्नेहम दयाम चा सौख्यम चा यदि वा जानकी मपी आराधनाए लोकस्य गुंचतो नास्ति मैं व्यथा। जिनसे मैं स्नेह करता हूं, जिनके ऊपर दया करनी चाहिए, जो मेरे जो मुझे सुख देने वाली चीजें, और चाहे प्राणों से प्रिय जानकी ही क्यों ना हो, जहां पर उन्होंने जनसेवा शब्द प्रयोग नहीं किया, आराधनाए लोकस्य, यानी विराट पुरुष की पूजा, जो लोग जिनके राजा हैं उनकी सेवा करना ऐसे है जैसे भगवान की पूजा करना। तो कहते हैं कि मुझे सब कुछ भी छोड़ना पड़े इस विराट पुरुष की पूजा के लिए तो मैं वो करूंगा। ये मैंने इसलिए आपको बताया कि ये चीजें हैं जो हमारी संस्कृति को परिभाषित करती हैं। और एक बात बताते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, इसलिए कि वो व्यवहारिक चीज है, केवल सिद्धांत को समझाया नहीं गया। आनंद रामायण में आता है कि भगवान जब आ गए वापस और राम राज्य स्थापित हो गया, अयोध्या में एक दिन दरबार में बैठे थे, एक कुत्ता रोता हुआ आया और उसने कहा कि मेरे साथ बहुत ज्यादती हुई है, मुझे अकारण ही मारा गया। भगवान ने उसका नोटिस लिया, उसकी इंक्वायरी कराई, शिकायत सही पाई गई और मारने वाला एक मंदिर का कर्मचारी था। तो भगवान ने कुत्ते से कहा, तुम खुद बताओ इसको क्या सजा दूं, क्योंकि इसने ज्यादती की है तुम्हारे साथ। कुत्ते ने कहा कि महाराज, इसको ये छोटा कर्मचारी है, वहां से हटा के इसको मंदिर का सबसे बड़ा अधिकारी बना दीजिए। तो लोग हंसे, उन्होंने कहा कि भाई बड़ा अधिकारी तुम इसे पुरस्कृत कराने आए हो या सजा दिलवाने आए हो? उसने कहा, तुम मानव की योनि में हो लेकिन तुम्हारी आत्मा जागृत नहीं है, बेशक किसी पाप के कारण मैं कुत्ते की योनि में पैदा हुआ हूं, लेकिन मेरे पुण्य इतने हैं कि मेरी आत्मा जागृत है, मुझे पता है मैं पिछले जन्म में क्या था। उनका मैं पिछले मंदिर में सबसे बड़ा अधिकारी था और चूंकि कोई जवाबदेही नहीं थी, इसलिए मैंने कुछ ऐसे पाप किए जिसके कारण इस तरह जन्म लेना पड़ा। इसमें इतना बड़ा सबक है कि हमें
कानून हमें देख रहा हो या नहीं देख रहा हो, लेकिन हमारे जो कर्म हैं वो कर्म हर वक्त हर वो खुद ब खुद पूरे रिकॉर्ड होते चले जाते हैं। अवश्य मेवा भोक्तव्यम कर्मा कीर्तम शुभा शुभम, चाहे आप शुभ कार्य कीजिए और चाहे अशुभ करिए, उसके परिणामों को झेलना पड़ेगा। ये हमारी संस्कृति के बुनियादी सिद्धांतों में एक सिद्धांत, मुझे पूरा विश्वास है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से वो चेतना जो हमें अपनी संस्कृति से और मजबूती से जोड़ सके और हम और जो उसकी शिक्षा है उसके अनुसार हम आचरण कर सकें, वो चेतना हमारे अंदर नए सिरे से पैदा होगी। मैं एक बार फिर संजनों को विशेष दे और आप सबको प्रणाम करते हुए आपसे इजाजत चाहता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आदरणीय आरिफ मोहम्मद खान साहब, आप प्रज्ञा पुरुष हैं और यह जो भगवान श्री राम की प्रथम कर्म भूमि है, वामन देव की प्राकट्य स्थली है, यहीं पर मरीज ने भगवान श्री राम का दर्शन किया था और रावण के संवाद में उसने कहा था, रामो विग्रहवान धर्म साधु सत्य पराक्रम। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मंच पर आसीन जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री अनंताचार्य जी महाराज से निवेदन है कि संक्षिप्त शब्दों में आज आपका आशीर्वचन का लाभ हमें प्राप्त हो। जन्मस्थेम भंगादिलीले विनत विविध भूत प्रातरक्षयक दीक्षे श्रुति शिरसि विदेप्ते ब्रह्मणि श्रीनिवासे भवतु मम परस्मिन् सेमुषि भक्ति रूपा पाराशर्य वचः सुधाम उपनिषद् दुःखाब्धि मध्योद्धृतां संसाराग्नि विधि पन व्यपगत प्राण संजीवनी पूर्वाचार्य सुरक्षितां बहुमति व्याघात दूरस्थितां आनीतां तु निजाक्षरेषु मनसौ भौमाः पिबन्त्वान्नहम्। श्रियः पतिनिखिलः प्रत्यनेक कल्याणैकतान् स्वेतर समस्त वस्तु विलक्षणानन्त ज्ञानानन्दैक स्वरूपस्य स्वाभाविका नवधिकातिशय ज्ञानवलेश्वरी वीर्यतेज प्रभृत्य संख्ये कल्याण गुणगण महोदधे निर्हेतु करुणा वर्णालयस्य परब्रह्म परमात्मनः भगवान श्रीकृष्णचंद्रस्य नित्य निर्वद्य निरतिशयोज्ज्वल्य सौगंध सौंदर्य सौकुमार्य लावण्य यौवनाद्यनंत गुणनिधि दिव्य रूपस्य भगवतः श्रीमन्नारायणस्य चरणारविन्दानुरागिणः। जगद्गुरु तुलसीपीठाधीश्वर रामभद्राचार्यवर्याः समीपे सम्पुष्टाः जीयर स्वामी महोदयाः तथा च ये केपि संत विद्वांसोत्र समागतवन्तः, और मुझे लगता है कि राज्यपाल महोदय चले गए,
आपने बहुत ही सुंदर बात कही। यों तो मैं प्रतिदिन श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से आप लोगों को धर्म की बात सुना रहा हूं, श्रीमद् भागवत की कथा सुना रहा हूं। श्रीमद् भागवत के माध्यम से राष्ट्र का निर्माण कैसे हो, राष्ट्र के निर्माण में भगवान श्री राम की भूमिका, श्री राम के बिना राष्ट्र का की कल्पना नहीं की जा सकती है। ऐसे प्रभु श्री राम हैं जिन्होंने विश्व में अपने द्वारा वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट है, श्रुतिस्तु खल्वयम् सत्यालोक की प्रतिभाति में यदन्नः पुरुषो भवति तदन्नास्तस्य देवताः, इस श्लोक के द्वारा शुद्ध शाकाहार को अपनाने की शिक्षा दी है। क्योंकि हम जो भोजन करते हैं वही हमारे देवता और पितर भी, यों तो देव में दशरथ जी महाराज के प्रसंग में कहा है, तथा और हमारे अग्रज जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर स्वामी राम भद्राचार्य जी महाराज श्री राम कथा के द्वारा नित्य आपको नई नई खोज और नई नई बात जो आज के संदर्भ में प्रासंगिक है बता रहे हैं। और यह बक्सर कैसे महान हो इसके लिए भी आपने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया कि भगवान श्री राम का दिव्य विग्रह, विशाल विग्रह स्थापित हो, इसके लिए आपने उतना की। और आज मैंने भी घोषणा की कि अगर हमारे अग्रज इसमें सहयोग कर रहे हैं तो हमारी ओर से भी इसमें सहयोग होगा, इसमें कहीं संदेह नहीं है। अगर भगवान श्री राम का दिव्य विग्रह स्थापित होगा, और आपने बहुत अच्छा सुना, जब वाल्मीकि जी ने एक श्लोक कहा था, मां निषाद प्रतिष्ठान तम अगमह शाश्वती समा यत क्रौंच मिथुनादेकम अवधीह काम मोहितम, यद्यपि इसकी व्याख्या बहुत ही गंभीर है, बहुत ही विस्तृत है। इसमें निषाद को साधारणतया अर्थ अगर देखा जाए तो निषाद को श्राप दिया है, हे कपद तुम कभी प्रतिष्ठा को प्राप्त मत करो, क्योंकि काम से मोहित क्रौंच पक्षी के जोड़े को तुमने मार दिया, वध किया। लेकिन हमारे धर्मशास्त्र में या काव्य शास्त्र में, भारतीय संस्कृत साहित्य में आशीर्वादात्मक मंगलाचरण का स्थान है, नमस्कारात्मक मंगलाचरण का स्थान है, वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण का स्थान है। लेकिन शापात्मक मंगलाचरण का स्थान हमारे भारतीय संस्कृत साहित्य में कहीं भी नहीं है। फिर हमारे वाल्मीकि ऋषि ने ऐसा क्यों किया, इसका क्या तात्पर्य है, मैं अपने अग्रज जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर स्वामी राम भद्राचार्य महाराज से अनुरोध करूंगा इस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे, ताकि हम लोगों का ज्ञान, भक्ति गंभीर विषय है, सब लोग बोलते हैं, आप लोग सुन लेते हैं, लेकिन इस पर विचार करना परमावश्यक है। यद्यपि धन्यालोक के प्रणेता अभिनव गुप्त पादाचार्य ने लिखा है श्लोकत्व मागता, लेकिन शोकत्व मागत से शोक श्लोकत्व मागता से काम नहीं चलता, और बाद में यह आशीर्वादात्मक मंगलाचरण सिद्ध होता है, जो हमने हमारे अग्रज जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य महाराज बता देंगे। जय श्री राम। और भगवान श्री राम ने देश के लिए, देश को, राष्ट्र को, राष्ट्र के निर्माण के लिए जो कदम उठाया, जो उन्होंने राक्षसों के संहार के लिए जो कदम उठाया, वह तो आप लोग प्रतिदिन सुन रहे हैं। और मैं भी श्रीमद् भागवत के माध्यम से एक दिन मैंने बताया था कि हमारे यहाँ यज्ञ क्यों किया जाता है, इसकी आध्यात्मिक इसका कारण और वैज्ञानिक कारण भी मैंने बताया था। समय की कमी के कारण मैं वेद और विज्ञान, मेरी लिखी हुई एक पुस्तक है, हमारे यहाँ जितने भी धर्म हैं, जितने भी कर्म हैं, मैंने विज्ञान के माध्यम से फिजिक्स केमिस्ट्री और मेडिकल साइंस के द्वारा मैंने उसे सिद्ध किया है। कभी मैं अपने अग्रज से इस पर चर्चा करूंगा और आप लोग अब श्री राम कथा का श्रवण करें। जय श्री राम। भारत माता की जय।
भारत मात्र की, संत समाज की जय श्री राम। बहुत बहुत आनंद की बात। सुख चिदानंद जी महाराज मैसूर से शिवानंद आश्रम से आए हैं। दो मिनट में अपनी बात, दो शब्द जी, दो शब्द आशीर्वचन के तौर पर हमारे लिए निवेदित करें। शिवानंद आश्रम से आया है, हिंदी ज्यादा जानते नहीं हम, इसलिए दो बार जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कर्नाटक में बीजेपी समाज है, बहुत बढ़िया चालू हो रहा है, इसलिए इन्वाइट किया है, मैं अभी आया है। धन्यवाद। விஸ்வநாதர் பிறந்த இடத்துல வந்து இவ்வளோ பெரிய ஒரு காரியக்கிரமம் நடந்துக்கிட்டு இருக்குது. அந்த காரியக்கிரமில் நம்ம எல்லாரும் கலந்துக்கிட்டு இருக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப ஆனந்தமாக இருக்குது. இந்த ஆனந்தத்தில் நானும் வந்து கலந்துக்கிட்டு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கேன். ஜெய் ஸ்ரீராம், ஜெய் ஸ்ரீராம், ஜெய் ஸ்ரீராம். இஸ் ஆத்மிக் மஞ்ச் பர் தீன் தீன் மகாபுருஷ் அதர்சன் ஏக் சாத் ஹோ ரஹே ஹேன். भगवान श्री राम की इस प्रथम कर्म भूमि सिद्धाश्रम बक्सर फिर से अपने गौरव की ओर लौट रहा है। बड़ी कृपा करके अनंत से विभूति श्री लक्ष्मी प्रपन्न जीव स्वामी जी महाराज आज हमारे बीच इस मंच पर विराजमान है। आपसे प्रार्थना है, वंदना है कि आप जो विश्व हिंदू परिषद दिल्ली प्रांत के अध्यक्ष हैं, वो और उनकी धर्मपत्नी जी यहां आए हैं आज प्रातः। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप अपना विचार रखें। सर्वप्रथम पूजनीय